हेलो गाइस, दिस इज़ सुनकर प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, यानी कि कहां कहां इसका यूज़ किया था उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं ICSE बोर्ड का फिजिक्स क्लास 10 का पब्लिकेशन सेलिना चैप्टर 1, जिसका सबसे पहला पार्ट है फोर्स। ठीक है, यानी कि यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया है, तो यूनिट 1 में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसका सबसे पहला पार्ट है फोर्स। तो फोर्स का जो है हम लोग कौन सा लेक्चर कर रहे हैं, 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वो आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर मैंने चैप्टर के नाम से उसको सेव करके रखा है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए आइए, तो स्टार्ट करते थे कि सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो हमने लिया है, है ना, डोर को ओपन करना और डोर को क्लोज़ करना। तो डोर को ओपन और क्लोज़ करने में हम कैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, हम आपको समझाना चाहते हैं। ये है डोर का फ्रेम, यानी कि जहाँ पर डोर को लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये है डोर। इसको क्या किया गया, हिंग्स पर इसको लटकाया जाता है, यानी कि हैंग ऑन द हिंग्स। ये जो हिंग्स होती हैं, इसके अबाउट, है ना, इस हिंग्स के अबाउट क्या करता है, दरवाज़ा ऐसे खुलेगा और ऐसे ही बंद हो जाता है। तो डोर जो होता है ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, ठीक है। तो ये हिंग्स क्या करती हैं, हिंग्स के अबाउट डोर जो होता है वो रोटेट करता है, हिंग्स के अबाउट। इसको हमने तीन पार्ट में, जैसे तीन पॉइंट लिए हैं, एक R है, Q है, एक P है, ठीक है। तो ये हैंडल दिख रहा है आपको, इस हैंडल पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, इफ़ वी पुश द जेंटली डोर, है ना, ऑन द हैंडल, देन डोर इजली, है ना, ओपन एंड क्लोज। अगर हम आराम से भी पुश करते हैं हैंडल पे, तो दरवाज़ा जो है इजली खुल जाता है और इजली बंद हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्यू पॉइंट पर फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि उसी दरवाजे को खोलने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और ज़्यादा फोर्स हमको तब लगाना पड़ेगा जब हम उसको बंद करेंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एज वी मूव, है ना, टूवर्ड द हिंग्स, यानी कि जैसे हम हिंग्स की तरफ मूव करते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि हम हैंडल पे जब फोर्स लगाते हैं ऐसे करके, तो हमारा फोर्स, है ना, हैंडल पे क्या होता है, नॉर्मल होता है, है ना, टूवर्ड द नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो जैसे जैसे हम इस हिंग्स की तरफ मूव करने लगते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंग्स जो है, जहाँ से रोटेट कर रहा है, वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है, जिसके कारण मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आपको क्या चाहिए कि दरवाज़ा खोलना है, तो आपको क्या करना होगा कि उस पॉइंट क्यू पर क्या लगाना होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आर की तरफ बढ़ते हैं, तो हमको और ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो, बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंग्स इज़ ज़ीरो। क्योंकि हमने आपने पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये आपने पढ़ी है बात को, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जब वो जीरो हो जाएगी, तो फोर्स कितना भी लगाइए वो रोटेट करने वाला नहीं है गाइस, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग चलते हैं एक डोर के पास, ठीक है। तो डोर के हेल्प से इस बात को और ज़्यादा क्लियर समझते हैं, तो लेट्स सी द डोर। तो गाइस देखिए, ये है दरवाज़ा, ये है डोर, ठीक है। अभी हम लोग जो बोर्ड पर समझ रहे थे, उस बात को अभी हम प्रैक्टिकली यहाँ पर समझते हैं कि कैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं एट द डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो समझिए, ये डोर है, देख ही रहे होंगे आप, डोर है। यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये हिंग्स है, ठीक है। इस हिंग्स को, ये हिंग्स पर ये दरवाज़ा क्या है, हैंग किया हुआ, यानी लटका हुआ, यानी हिंग्स के अबाउट ये क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो व्हेन वी पुश, है ना, व्हेन वी पुश और पुल, है ना, फ्रॉम द हैंडल, हैंडल पे हम लोग क्या करते हैं, इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे ऐसे, देखिए परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, तो ये बहुत नॉर्मली, यानी बहुत जेंटली जो है क्लोज हो जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर हम इसको ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो बहुत जेंटली ये खुल भी जाता है। क्यों खुल जाता है, क्योंकि हेयर इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंग्स। यहाँ देखिए, ये जो हिंग्स है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जिसकी डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस होती है फ्रॉम द हिंग्स, तो फिर भी अप्लाई द लीस्ट फोर्स, है ना, ऑन द हैंडल, फिर वी अप्लाई द लीस्ट फोर्स ऑन द हैंडल, देन दरवाज़ा विल बी एंड डोर विल बी ओपन। अब रही बात ये कि जब हम मोमेंट ऑफ फोर्स को अगर हम इसके हिंग्स की तरफ मूव करते हैं, यानी कि इसके हिंग्स की तरफ बढ़ते हैं, जो फोर्स हम यहाँ लगा रहे थे गाइस, ठीक है, अब वही फोर्स अगर हम मिडल में लगाएं,
ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको अब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? बिकॉज हेयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कर गया गाइस, डिक्रीज कर गया। देखिए ये जो हिंग्स है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जब डिक्रीज कर जाएगी तो फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका दरवाज़ा जो है वो खुलेगा भी और बंद भी होगा। सेम उसी प्रकार से गाइस आप समझिए, जब हम फोर्स को अगर इसके हिंग्स के पास लगा रहे हैं तो हम इसको पुश करते रहेंगे, लेकिन ये खुलने वाला नहीं है और बंद होने वाला भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गाइस यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। आपने फोर्स लगाया लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंग्स जो है वो ज़ीरो हो चुकी है, जिसके कारण ये दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इससे हमको क्या कंक्लूजन निकला गाइस, यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया, यानी उतना ही ज़्यादा टॉर्क क्रिएट होगा और इजीली जो है हम डोर को ओपन कर पाएंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। तो इसके बाद आपके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक आई गाइस अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा हैंड फ्लोर ग्राइंडर। हैंड फ्लोर ग्राइंडर तो आपने देखा होगा, दो सर्कुलर डिस्क होती हैं, एक नीचे और एक ऊपर। इसको समझने के लिए सबसे पहले लेट्स सी द वीडियो। ओके गाइस, आप लोगों ने वीडियो देखा, तो वीडियो में आपने देखा होगा कि एक सर्कुलर डिस्क नीचे है और एक सर्कुलर डिस्क ऊपर है। ठीक है, उसमें बीच में यानी कि सेंटर में क्या लगा रहता है, उसका एक्सिस होता है जिसके अबाउट रोटेट करता है, और जो हैंडल होता है वो क्या होता है, एकदम कॉर्नर ऑफ द अपर सर्कुलर डिस्क, अपर सर्कुलर डिस्क के कॉर्नर पे होता है। तो कॉर्नर यानी कि एकदम साइड में, एकदम आउटर साइड में जो है हैंडल को लगाया जाता है। क्यों? बिकॉज कि फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ से वो रोटेट कर रहा है उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो। तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, व्हेन वी अप्लाई द लीस्ट फोर्स, है ना, व्हेन वी अप्लाई द लीस्ट फोर्स, हैंड फ्लोर ग्राइंडर मूव्स इजिली यानी रोटेट इजिली अबाउट देयर एक्सिस, इसलिए उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पर लगाया जाता है। अगर वो थोड़ा और नज़दीक आ जाता, मतलब बीच में हो जाता, तो उसको घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है हमको। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आइए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन का। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या आपका, टर्निंग द स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स का यूज़ करते हैं, जब जो व्हील को क्या करते हैं, जो स्टीयरिंग व्हील होता है जब उसको टर्न करते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील में एक्चुअली में होता क्या है कि ऐसे करके जब हम उसको पकड़ते हैं, ठीक है, तो जब हम उसको टर्न करते हैं तो टर्न करने के दौरान वी कैन ओनली चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नॉट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, ये हमारा सेंस क्रिएट होता है। जैसे मान के चले गाड़ी को हमको अगर टर्न करना है तो हमारा सेंस एकदम बोलता है कि हमको गाड़ी को क्या करना है, टर्न करना है, यानी हैंडल को क्या करना है, घुमाना है, स्टीयरिंग को क्या करना है, घुमाना है। तो जब स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जो फोर्स होता है उसको चेंज करते हैं, ना कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे कि देखिए हमने फिगर बनाया। सबसे पहला अगर हम फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, तो ये व्हील कैसे रोटेट करने वाला है, ऐसा, यानी कि ये अभी एंटी क्लॉकवाइज इसमें रोटेशन आ जाएगा और इसमें जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा वो आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। सेम उसी प्रकार से देखिए, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन, इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर, और इस फोर्स का डायरेक्शन भी क्या है, इधर, यानी कि दोनों स्टीयरिंग पे, दोनों कंडीशन पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के चेंज होने के कारण, यानी कि एक बार फोर्स लग रहा था नीचे और एक बार फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो फोर्स जब ऊपर लग रहा है तो यही स्टीयरिंग कैसा रोटेट करने लगा है, क्लॉकवाइज। तो व्हेन वी चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देन द रोटेशन ऑफ द व्हील विल बी चेंजेस। तो व्हील का जो रोटेशन होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है गाइस। ठीक है, ऐसे करके रोटेट करते हैं तो ऐसे घूमता है और ऐसे करके रोटेट करते हैं तो ऐसे घूमता है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज करते हैं, ना कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। चलिए आइए बच्चों देखते हैं नया एप्लीकेशन। नया एप्लीकेशन क्या है, वो है टर्निंग ऑफ टूथेड व्हील ऑफ ए वाई साइकिल। साइकिल तो आपने सब ने चलाई होगी। एक साइकिल जो होती है उसमें दो टूथेड व्हील, यानी दो व्हील होते हैं, इसमें दांत निकले हुए रहते हैं टूथेड दांत की तरह। एक तो होता है रियर व्हील और एक होता है टूथेड व्हील। टूथेड व्हील जो होता है इसमें बड़े बड़े दांत होते हैं, इसमें छोटे छोटे दांत होते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब शेप साइज में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, एक साइज छोटा होता है, दूसरा का साइज बड़ा होता है। अब रही बात ये कि ये जो पैडल होता है, जिसमें पैडल लगाया जाता है, वो पैडल
टूथेड व्हील में क्यों लगाया जाता है जबकि रियर व्हील में क्यों नहीं लगाया जाता है। और ये जो रियर व्हील होता है वो आपके बड़े वाले चक्के के साथ फिक्स रहता है पीछे वाले, जहाँ पर ये रोटेट करता है। तो हम लोग इस पर फोर्स लगाते हैं, इस पर फोर्स क्यों नहीं लगाते, आप समझिए बात को। अभी हमने जो मोमेंट ऑफ फोर्स पर बात की, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ फोर्स, यानी कि जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होगी गाइस उतना ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स लगता है। तो देखिए ये जो व्हील है वो काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से क्योंकि यहाँ से रोटेट कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस काफ़ी बड़ी हो जाएगी कंपेयर टू द रियर व्हील, क्योंकि रियर व्हील का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पर जब फोर्स लगेगा उसका डिस्टेंस कम होगा, लेकिन इस टूथेड व्हील की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो इस पर मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा कंपेयर टू द रियर व्हील। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस पैडल पर फोर्स जब लगाते हैं तो फोर्स लगाएंगे तो ये कैसे करेगा, इसे रोटेट करेगा, यानी कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाता है। तो देर इज ए मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स इन द टूथेड व्हील कंपेयर टू द रियर व्हील, है ना। यहाँ पर हम पैडल को नहीं लगा सकते क्योंकि ये रियर व्हील जो है वो छोटा होता है, तो वहाँ पर लेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट होगी, तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स उतना नहीं होगा, यानी फोर्स हमको वहाँ ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर फोर्स हमको क्या लगाना पड़ेगा गाइस, कम। तो यहाँ पर कम फोर्स लगाएंगे और ये जो टूथेड व्हील है इसके हेल्प से साइकिल जो है बहुत तेज़ी से रोटेट भी करता है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा बहुत सिंपल तरीका से, ठीक है। इन फिगर्स को ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मेरे वीडियो को आप शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड सर्किल के जितने भी लोग हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। और अदर सोशल मीडिया पे भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स के थ्रू आप फेसबुक पेज को शेयर कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स के थ्रू आप किसी दूसरे चीज़ों पे भी, दूसरे दूसरे सोशल मीडिया पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका क्या कर सकें, बेनिफिट ले सकें, ठीक है गाइस। चलिए तो हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।